थोड़ी देर सो गए थे ना, लेकिन जो हमारी गाड़ी के ड्राइवर कंडक्टर है ना, वो पूरी रात चले हैं। मतलब हम तो सो भी गए थे। अच्छा तो दोस्तों, हम जो है यहाँ पर उतर चुके हैं और अब हम आगे जा रहे हैं। अब पता नहीं अब कहाँ, जैसे भैया खड़े हुए और ना जिस गाड़ी में हम आए वो भी चली गई है हो रही। तो दोस्तों, हम हो गए हैं तैयार जाने के लिए। दरवाजा वगैरह हो गया बंद माता के मंदिर जाने के लिए और नीचे हो रहा है हमारा इंतजार। तो हम वैष्णो माता के मंदिर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो चलते हैं। और दीदी देख रहे हैं लाइट वगैरह। तो ये है दीदी का क्वार्टर, जम्मू इलाके में इनका क्वार्टर, बड़े ब्राह्मण में। तो ये रहा यहाँ का इलाका पूरा एकदम प्लेन प्लेन। और यहाँ पर कुछ फंक्शन लगा है। और ये रहे सारे यात्री ना। यहाँ पर घर की रक्षा देखो कौन कर रही है, बिल्ली मौसी कर रही है यहाँ पर घर की रक्षा, वैसे डॉगी करते हैं। तो दोस्तों, ये है दीदी के क्वार्टर के पास शिवजी भगवान का मंदिर। जयकार शिवजी भगवान, गणपति भगवान, हमारी यात्रा सफल करना। तो दोस्तों, यहाँ पर ना देखो ऐसे आर्मी क्वार्टर में ऐसे बने हैं। देखो यहाँ पर ना हर आर्मी बंकर में कुछ इस तरह से फौजी खड़े रहते हैं, सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, अब हम ना हाईवे में पहुँच चुके हैं जहाँ पर हम कल उतरे थे, और यहाँ से हम गाड़ी लेंगे अब सीधा हेलो भाई कटरा के लिए। और ये रहे, और भैया ना, भैया हमारे साथ में जा रहे हैं। ये जा रहे हैं ड्यूटी, इनको छुट्टी नहीं है। तो दोस्तों, हम जो है ना अब बड़ी ब्राह्मण से जम्मू में पहुंच गए हैं, और यहाँ से अब सीधा कटरा के लिए जाएगी गाड़ी, अपने सीधा टिकट कटरा का ही है। और ये शायद जम्मू की सब्जी मंडी होगी। यहाँ पर बैठे हैं अर्जुन और अर्जुन के पापा, और यहाँ पर मैं और दिस बैठे हैं, और ये बैठे हैं दीदी और सोमू। तो दोस्तों, ये जो पीछे ब्रिज था ना, ये जम्मू का तवी नदी का ब्रिज। तो दोस्तों, इतना खूबसूरत है ना जम्मू। दोस्तों, ये सारा एरिया टोल प्लाजा के नज़दीक है, कटरा जाने वाला रास्ता है। तो ये टोल प्लाजा के पास वाली टंडल,
दोस्तों ये है यहाँ की तीसरी टंडल। दोस्तों ये रास्ता गया है ले और श्रीनगर के लिए। तो दोस्तों ये वाली पहाड़ी है जो है श्रीनगर की साइड की है। दोस्तों ये जो पहाड़ी है ना ये वैष्णो माता मंदिर की। तो दोस्तों यहाँ से कटरा 5 किलोमीटर है और वो रहा वैष्णो माता के मंदिर का रास्ता और वो नीचे अर्धकुंवारी है वो रही हमारी वैष्णो माता की पहाड़ी। दोस्तों आप भी कर लो वैष्णो माता की पहाड़ी के दर्शन। दोस्तों यहाँ से कट रहा है 5 किलोमीटर और सामने वैष्णो माता की पहाड़ी और ये रही अर्धकुंवारी और ऊपर वैष्णो माता की पहाड़ी। जय वैष्णो माता। और यहाँ से ना जेंट्स को आगे वाली गाड़ी में कर दिया गया है और हम लेडीज वगैरह यहाँ हैं। हाँ अच्छा। और यहाँ से हमें ना चेकिंग के बाद फिर से वैष्णो माता के मंदिर के लिए छोड़ दिया गया है चेकिंग करने के बाद। जय माता वैष्णो। तो दोस्तों ये कटरा शहर तो हम तो गानों में ही सुनते थे ना, आज मैया की कृपा से माँ के दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिला। और तो दोस्तों ये कटरा शहर और ये रहे सब के सब। और मैं दिखाती हूँ आपको वो रहा ऊपर वैष्णो माता का दरबार के लिए रास्ता। ये पूरा का पूरा ना कटरा शहर है। तो दोस्तों ये है कटरा शहर के सुंदर सुंदर दुकानें। जय माँ वैष्णो। कितना बड़ा है कटरा शहर देखो। कुछ इतना लंबा है कटरा शहर खत्म ही नहीं हो पा रहा है। अभी तो कटरा शहर की शुरुआत है। तो अगर आप अपने साथ खाना लेके नहीं आए हैं ना तो यहाँ पर भी खा सकते हैं और ऊपर लंगर वगैरह की सुविधा भी होती है। तो दोस्तों अभी हमें ना फिर से दोबारा आना पड़ा वहीं पर। हम ना काफ़ी आगे चले गए थे लेकिन हमने टिकट नहीं बनाई, हमको पता नहीं था ना कहाँ बनती है। तो हमें फिर से ऑटो करके आप वापस आना पड़ता है पर्चियों के लिए।
हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका में। तो ये यहाँ पर चरण पादुका, जय माँ चरण पादुका। दोस्तों ये चरण पादुका, आप जल्दी से कर लो दर्शन क्योंकि यहाँ पर वीडियो और फोन फोटो लेना अलाउड नहीं है। तो दोस्तों हम ना शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं एकदम, और पीछे तक दीदी वगैरह मेरी भी भाई दो पानी था। और ये रहा अर्जुन, अर्जुन थकिया की थकिया की। तो दोस्तों दुकानें यहाँ पर ना जो वृक्ष पेड़ होती है तो ये वैसा पीपल ले रही जड़े। तो दोस्तों अभी हम अर्धकुंवारी में पहुंचने वाले हैं। अभी थोड़ा दूर है और देखो इनको। यहाँ पर ना सबके लिए सुविधा है, घोड़ों की, पालकियों की, और बच्चों के लिए बच्चों के टायर बैग की। ये रहे दोस्तों, अगर कोई थक गया है तो वो नाच भी सकता है, क्या बोलते हैं इसको, टमक में। हम ना थोड़ी थोड़ी देर रेस्ट करते हुए जा रहे हैं तो अब थक गए हैं, और कुछ इतनी सारी भीड़ है। तो दोस्तों ये रहा नीचे कटरा बाजार, और हम कुछ इतने ऊपर आ चुके हैं। तो दोस्तों कटरा शहर कितना सुंदर लग रहा है नीचे। तो कुछ इतना लंबा रास्ता है मंदिर के लिए, वो लास्ट तक दिखाई दे रहा है, इससे भी आगे यहाँ से यहाँ यहाँ और यहाँ। तो हम ना वहाँ से आए नीचे से, वहाँ से आए हम, और यहाँ से होते हुए ऊपर। यहाँ पर ना जगह जगह में से चाय के स्टॉल खुले हैं भक्तों के लिए, और हम भी सोच रहे हैं चाय पी लें या नहीं, अभी हमें खाना भी खाना है। और रात के लगभग, और रात के 12:30 बज चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पता नहीं कितने लाखों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए, कोई अपनी मांगी मुरादें
पाने के लिए आ रहा है तो कोई अपनी मांगी मुरादे पाने के बाद यहाँ पर आ रहे हैं। तो जितने आगे है ना उतनी दूर। तो जितनी भीड़ आगे है उतनी पीछे भी है। जय माँ वैष्णो। तो दोस्तों हम निकले थे क्वार्टर से 5:30 बजे निकले थे हम। फिर वहाँ से हमने 5:30 बजे ली गाड़ी तो 7:30-8 बजे पहुँचे हम कटरा। और यहाँ से तकरीबन 9-9:30 बजे के करीब चले हम कटरा से और लगभग 12:30 बज चुके हैं। और अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों ये होटल बने हुए हैं, यहाँ पर खाना भी खा सकते हैं। हम ना थोड़ी देर के लिए यहाँ पर उनसे अलग हो गए हैं और वो पीछे रह गए हैं। हमने सोचा वो आगे चले गए और हम ना अलग हो गए, तो अब हम उनका वेट कर रहे हैं। तो इतनी पब्लिक है यहाँ पर ना कि हम बता नहीं सकते आपको। पता नहीं लाखों के हिसाब से पब्लिक है यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रही है। कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है माता रानी के। दोस्तों तो आप सब भी बोलना हमारे साथ, वैष्णो माता की जय। जय आप सब भी बोलना। तो दोस्तों हम जो है मंदिर में पहुंच चुके हैं और वो रहा नजारा। जय माता वैष्णो आप सभी को लो दर्शन। तो अब हमें एक ही मोड़ रहा है। तो दोस्तों सुबह के 3 बज रहे हैं और यहाँ पर पब्लिक देखो। तो दोस्तों लोग देखे रात तक कैसे गुजार रहे हैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ से लेंगे हम माता के लिए प्रसाद। तो हम सब दर्शन करके बाहर आ चुके हैं सबके सब। और ना अभी यहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगी है देखो। तो हमारा तो अच्छा हो गया ना कि हम टाइम से यहाँ पर पहुँच गए थे, हमारे दर्शन ना अच्छे से हो गए हैं। तो वैष्णो माता की जाए। लेकिन मैं अंदर ना वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना मना था। तो यहाँ से हमें फिर गेट में ही वापस ये सारी चीज़ें दी गई है। तो अपने आप खुद बढ़ना बीच में फिर और भी। जयकार वैष्णो माता। और हम जा रहे हैं अब रोप वे के लिए। तो यहाँ पर रोप वे के लिए टिकट काटी जा रही है टिकट। ये रहा पूरा वैष्णो देवी मंदिर का नजारा। और यहाँ से हम जाएंगे रोप वे में।
भैरव मंदिर जाएंगे हम यहाँ से रोप में बैठ के। तो दोस्तों इस पे जाएंगे हम अभी। चलो दो ढाई घंटे खड़े होने की खुशी मिल मेरी। जब तक दिल के जीवन है तब तक पूंजी है। कानों में प्रेशर फील हो रहा है। माता रानी जल्दी बुलाना दोबारा। अच्छा अभी एक क्रॉस हुआ, अभी तो एक और है। ये टेढ़ा वाला जो आप लेते हैं टेढ़ा वाला क्रॉस दोनों टेढ़ा। आप पहुंच गए। अब हम आ गए। तो अभी अभी ना हम इस वाली रोप वे में आए हैं। तो यहाँ से लेंगे हम भैरव बाबा के लिए प्रसाद। दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि ये बंदर क्या बोल रहा है। तो ये है माता के मंदिर आने के लिए हेलीपैड। तो अब हम जा रहे हैं अर्धकुंवारी के लिए भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद। तो ये है भैरव बाबा से अर्धकुंवारी के लिए जाने वाला रास्ता। यहाँ पर ना थोड़ा सा शांत शांत माहौल है। क्या हुआ? और आगे पहाड़ी ढोल बजता हुआ। कहाँ है? बकरी तो दोस्तों यहाँ पर जो है हेलीकॉप्टर आ चुका है और यहाँ पर लैंड करेगा भी है। इसमें ना कोई भक्त आए होंगे स्पेशल। आए नहीं है दोस्तों, जा रहे हैं इसमें। और ये है सारा जम्मू का एरिया। और यहाँ पर एक और हेलीकॉप्टर आ चुका है। ये वाला ना मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें ना सवारियाँ दर्शन करने के लिए आई होगी। तो दोस्तों ये है जम्मू शहर का कटरा और ये जो है वहाँ पर ये रेलवे लाइन पूरी की पूरी ये रेलवे लाइन है पूरी इधर उधर होके कहाँ जाती है। कटरा शहर कितना प्यारा है देख लो आप और कितना बड़ा है। तो दोस्तों अभी तो बहुत नीचे है अर्धकुंवारी। ये कुछ इतने नीचे है अभी तो बहुत है जाने के लिए। जितने भी आपको ना चादर वाला एरिया दिख रहा है ये पूरा रास्ता है नीचे को जाने के लिए। तो दोस्तों ये रहा अर्धकुंवारी मंदिर का नज़दीक से नज़ारा।
रहा अर्धकुंवारी का नजारा पूरा। देवी और भाभी जो हरियाणा से माता के दर्शन के लिए आई है और भाई मंदिर के सीढ़ी। तो दोस्तों ये वाण गंगा ना कटरा के पास ही है, यहाँ से ऊपर को जाते हैं और दर्शन करने के बाद यहाँ पर स्नान वगैरह किया जाता है। तो ये बाण गंगा, तो ये तीनों गए थे नहाने। तो दोस्तों हमने अपना सफ़र वैष्णो माता का पूरा कर लिया है और हम वापस से कटरा से होकर जम्मू में पहुंच चुके हैं दीदी के क्वार्टर में। तो दीदी की वजह से ना हमारा सफ़र भी हो गया, माता के मंदिर में दर्शन और हमारी वजह से आपकी भी हो गए। तो बताना आपको हमारा ये वीडियो कैसी लगी और माता रानी आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। तो हम ना पहले जम्मू से गए कटरा, कटरा से गए हम बाण गंगा से होते हुए अर्धकुंवारी, अर्धकुंवारी से गए वैष्णो माता मंदिर, वैष्णो माता के मंदिर से गए रोपवे से होते हुए भैरवनाथ, भैरवनाथ से होकर फिर कटरा और फिर वापस जम्मू से जम्मू में पहुंच गए हैं। तो बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और माता रानी आप सबके ऊपर भी कृपा बनाए रखे और मेरे घर वालों के ऊपर भी मतलब कृपा बनाए रखे सबके ऊपर। तो चलो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, लाइक कर दिया तो शेयर कर देना और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं आपसे जल्दी आगे वाली वीडियो में। तब तक बाय।